स्टार्ट होगा तो आई गेस अभी लाइट्स ऑफ करनी पड़ेगी हमें. ओके थैंक यू. सो लेट्स स्टार्ट. I just wanted to ask, did you enjoy the video? So I'll just tell you a short story. This video was not planned at all. One night, Zaid came and he's like, "Bas ho gaya, ek mahina ho gaya, kuch bana hi nahi raha studio ke bare mein. So ab kuch karna hai." तो हम लोग के सब के अंदर एक जोश आया. बोले हाँ करते हैं पर क्या. सो देन वी वर लाइक ओके चलो एक काम करते जस्ट लेट्स गेट रेडी एंड प्लान करते हैं जो भी देखे जो भी होगा. एंड इट वाज आई थिंक ऑल फ्रॉम अप जो भी हुआ आई थिंक वी वर वो क्लिक हो गया सब ऊपर वाले की तरफ से धड़ाधन सब प्लेस में आ गया. जब तक तनवीर आ रहा था वी डिसाइडेड व्हाट टू डू नेक्स्ट एंड एवरीथिंग फॉल इन प्लेस. सो I'm really glad if you guys, you know, enjoyed our video and still when we see the video, abhi bhi humko aisa lagta hai ki yeah, ek aur baar dekhe. So yeah, thank you so much. Thank you. Sharma ji. Hello. 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 ग्रैंड लॉन्च हो चुका है तो आप लोग बताइए कि कैसे आप लोगों का कोलैबोरेशन हुआ एक साथ आप चारों क्या कहना चाहेंगे. कोलैबोरेशन तो नहीं है हम लोग स्टार्टिंग से ही फ्रेंड्स टर्न इनटू फैमिली थे. ये लोग तीनों तो ऑब्वियसली फैमिली है. भाई बहन ही है तो हम लोगों का फ्यूचर कोलैबोरेशन से हुआ है. और नगमा इज ऑफ कोर्स नाउ फैमिली एज अ फैमिली मेंबर ओनली. तो बहुत अच्छी दोस्त भी है हमारी हम सब की और हम एज अ फैमिली मेंबर ही लेते हैं नगमा को भी और वो भी आई थिंक यू आल्सो टेक इट. यस ऑब्वियसली. तो नहीं तो हम लोग स्टार्टिंग से ही साथ में कंटेंट बनाते थे एंड पहले से हम लोग को एक था कि साथ में कुछ शुरू करना है. और थोड़े हम लोग अतरंगी अगर आपने हमारा कंटेंट भी देखा होगा तो हम लोग ट्राई करते हैं कि जो ट्रेंड्स होते हैं हम लोग उसको ब्रेक करें और कुछ अतरंगी स्टाइल में प्रेजेंट करें. तो था कि ऐसा एक टीम बनाकर हम लोग कुछ स्टार्ट करेंगे तो फाइनली आज हमने वो स्टार्ट किया है ऑफिशियली आप लोगों के साथ. और ये नाम काफ़ी यूनिक है ये किसका आइडिया था अतरंग्स. ये आई थिंक मिलके ही डिसाइड किया था क्योंकि बिकॉज हम लोग सब यूनिक कॉन्सेप्ट बना रहे थे डिसाइड कर रहे थे. एक्चुअली ये ऐसे ही होता है हम बहुत डिसाइड करने की सोचते हैं बट वो हो नहीं पाता. हाँ. और जब साथ में आते तब निकल आता. जब सडनली सब कुछ आ जाता. एक्चुअली बात ये कर रहे थे हम मुझे याद है हम लोग ऑफिस में बैठे थे. हाँ. और ये बात कर रहे थे कि यार इस टाइम ना कुछ अतरंगी नाम होना चाहिए. हाँ. और वही ना तो अचानक से किसी ने तो बोला था उठ के कि याद नहीं आ रहा अतरंगी मतलब अतरंग टाइप का नाम रखते क्या मतलब थोड़ा जर डाल के. हाँ तो फिर फंकी इसमें जेड नहीं था मेरा नाम तो सोचे जेड डाल दो. एक्चुअल में इफ यू गो टू सी आल्सो अतरंग्स के अल्फाबेट्स में सबके नाम भी आते हैं अंदर. हाँ पर उसमें जेड नहीं था तो हमने ऐड कर दिया जेड डाल दिया हमने. और गौहर भी आ गई अब तो. अरे जी भी है पहले सिर्फ टी और आर की जगह है ना तनवीर रजी तो अपने अपने नाम सब ढूंढ लेंगे. इसके अलावा आपने जो डिजाइनिंग की है उसके बारे में कुछ बताइए हमें. डिजाइनिंग ऑनेस्टली अरे वो बोला किसी डिजाइनिंग मैंने एक्चुअली मेरे डैड बहुत अच्छे मैं बोलूँगा उनको इंटीरियर डिज़ाइनर है तो मैंने हमेशा उनको देखा था कि वो घर पे भी इंटीरियर कर रहे हैं अपने ऑफिस में भी इंटीरियर कर रहे स्टूडियोज़ में भी इंटीरियर कर रहे तो आई ऑलवेज टू सी दैट. तो मैंने आई थॉट इवन लेट्स ट्राई. तो इन अतरंग देर इज नो इंटीरियर डिजाइनर आई थिंक मैं बोलूंगा तो ज़्यादा अच्छा नहीं लगेगा. हाँ ये बोलेंगे तो, मैं हाँ. बोलता हूँ उसके बारे में कि अतरंग्स का इंटीरियर मतलब फ्रॉम द बिगिनिंग से लेके बोलते हैं ना स्क्रैच से लेके एंड तक सिर्फ उसने ही किया है. हमने सिर्फ बोल दिया था कि हम लोग एक काम करेंगे हम लोग बाद में आएंगे और जब बन जाएगा तब आके देखेंगे और तब बताएंगे एज एन ऑडियंस
कि कैसा लग रहा है, और हम लोग ने लिटरली वही किया एक्चुअली, हाँ एग्जैक्टली, पूरा के पूरा ए टू जेड हम लोग ने ट्रस्ट करके. अगर आप 2-3 महीने पहले ये जगह पर आते तो ये पूरा एक खंडर जैसा था, एंड इसकी शादी भी थी उसके सबके बीच में. He managed it so well, and एक एक कॉर्नर आप अगर देखोगे ना तो उसने अच्छे से किया है. सो आई एम सो प्राउड ऑफ यू जैद. अरे थैंक यू. ही इज द इंटीरियर डिजाइनर ऑफ अतरंग्स. थैंक यू थैंक यू. बट एक्चुअली इट्स ऑफकोर्स टीम वर्क, क्योंकि अगर मुझे ट्रस्ट किया इतना तो उस तरीके का रिटर्न भी मुझे देना था. एंड यू सॉ, आई थिंक एवरी वन सॉ कैसे मैंने रिटर्न दिया, एंड दे लव्ड इट. सो या थैंक यू. आर रिएक्शन वॉज एग्जैक्टली लाइक यू गाइज. जैसे आप लोग ने पहली बार देख के कैसे रिएक्ट किया, हमने भी सेम रिएक्ट किया जब हमने फर्स्ट टाइम देखा, और हम लोग ऐसे हो गए थे क्योंकि हमें भी दिखाया नहीं गया था जब तक फाइनल नहीं हुआ था. तो स्टूडियो छुपा के रखा था जैद. तो शादी के बाद आपका ये पहला प्रोजेक्ट है, तो वाइफ से कितनी डिस्कस हुई इस टॉपिक पे आपकी? वाइफ से तो डिस्कशन शादी के पहले से ही थी. हाँ, क्योंकि ये तो काफ़ी टाइम पहले से ही बन रहा है. तो डिस्कशन तो चालू ही थी. इनफैक्ट मेरी वाइफ ने मुझे ऑफिस का आइडिया तो पूरा उन्होंने ही दिया. तो या आई थिंक आई विल रिवील दैट आल्सो अगेन. इट्स टीम वर्क. आई थिंक आई टोल्ड यू. तो या गौर गेव मी दैट ऑफिस का वाइब थोड़ा, व्हिच इज वेरी गुड. मतलब सो द कलर कॉम्बिनेशन इज नाइस. शी इज आल्सो क्वाइट गुड इन इंटीरियर. थैंक यू गौर. आप तीनों आपके करियर में बहुत अच्छा कर रहे हो. आवेश शायद चारों हैं. आई मीन चारों, लेकिन इस्माइल सर को कितना प्राउड फील होता है. अच्छा फैमिली वाइज. अच्छा फैमिली वाइज. ओके सॉरी. इस्माइल सर की क्या फीलिंग है अतरंग्स को लेकर, और क्या कहा उन्होंने, कितने इमोशनल ऑफ कोर्स हुए होंगे? कौन मेरा छोटा वाला है? हाँ. वो बहुत ओपन है इसके बारे में. वो एकदम क्लियरली बता रहे हैं इस बार, क्योंकि जब भी हम किधर भी फंक्शन में जाए या कहीं भी जाए तो वो ओपनली बोलते हैं कि मैंने मेरा हाथ कहीं पर भी नहीं है, जो भी है मेरे बच्चों ने किया है. एंड वो सुनने के बाद आई थिंक कोई वर्ड्स ही नहीं रहता है. उसके बाद मेरे पास वर्ड्स है ही नहीं बताने के लिए, क्योंकि अंदर से एक डिफरेंट वाइब आती है, और वो अतरंगी वाइब अभी तक है. जो मैं बोल भी रहा हूँ तो मेरे को महसूस हो रहा है. सो एंड व्हेन वी वॉक्ड इन आल्सो, उनका वो रिएक्शन जो था वाज वेरी, इट वाज लाइक कुछ प्राउड वाला प्राउड मोमेंट था. मेरे बच्चे. हां, ही इज बिकम वेरी, हां ही इज एक्चुअली या एक्सप्रेसिव, बहुत वेरी एक्सप्रेसिव. पहले एक्सप्रेसिव हो चुका. हां, मैं एक्सप्रेसिव बोलने पहले पहले संभालते थे बहुत एक्सप्रेशन, पर अभी एकदम खुल के बताते हैं, व्हिच इज गुड. आप चारों का कब एक साथ म्यूजिक वीडियो देखने मिलेगा? आप और अभी आपने क्वेश्चन डाला तो आई थिंक किसी ना किसी ने पकड़ लेगा, और कोई ना कोई ऑफर करेगा मोस्टली. देखो क्या पता हमारा खुद का भी खुद का आ जाए. बिकॉज यस वी वर प्लानिंग टू डू इट बिफोर अतरंग्स. आई थिंक इनफैक्ट हम लोग अतरंग्स का ओपनिंग वाज आवर एल्बम. वी डिसाइडेड दैट But that didn't happen because lockdown भी हो गया था और शादी भी हो गई. हाँ शादी भी हो गई, तो उस बीच में बहुत सारे बहुत सारा हो गया. एंड बट आपको अतरंग्स में आगे फ्यूचर में बहुत सारी चीज़ें देखने मिलेगी जो म्यूजिक से रिलेटेड भी होगी. yes. तो स्टे ट्यून्ड, बस के आगे नहीं बोलूँगी कुछ. और एक चीज़ जानना चाहूँगा, कंटेंट क्रिएटर के लिए फर्स्ट प्लेस है ये. हमने देखा था कि कंटेंट क्रिएटर जो है बाहर जाके वीडियोस बनाते थे, अब जो है ये एक प्लेस हो गया, तो उस बारे में कुछ बताइए हमें, कंटेंट क्रिएटर को कितना फायदा होगा इस बारे में? तो बहुत कुछ इस बारे में. इस बारे में अवेश, जिसको मैं भाईजान बुलाता हूँ, वो सबसे अच्छा बताएगा आपको. मैं क्या बताऊँ, हमने 3-4 साल पहले वीडियोस बनाना चालू किया था, और आई थिंक ऐसा कोई कोना नहीं होगा जहाँ पे हमने वीडियोस नहीं बनाए. और हर कोने से हमको बोला गया है कि यहाँ नहीं बना सकते वीडियो. तो स्टार्टिंग फ्रॉम होटल और प्लेग्राउंड, रोड्स पे तो हम वैसे ही नहीं बनाते थे. ऐसी बहुत सारी प्लेसेस थी, मॉल्स, जहाँ पे हमको बोला जाता था कि वीडियोज़ यहाँ पे अलाउड नहीं है. तो हम लोग बहुत डिसहार्टन हो जाते थे और बोलते थे, अरे यू नो वी आर शूटिंग फ्रॉम फोन और फोन में इतना इश्यूज नहीं होना चाहिए. सो देन वी सेड कोई बात नहीं. वी इनफैक्ट गॉट इंस्पायर्ड बाय दैट. लास्ट जब हम लोगों को हिट कब हुआ, जब खुद की बिल्डिंग में बोला कि नहीं, कि नहीं आप नहीं बना सकते हो यहाँ पे, तो फिर तो ऐसे ही हो गया. अब कहाँ जाए. एंड देन सडनली इट क्लिक्ड कि आई नो हम वी गॉट इंस्पायर्ड कि अब क्या करते हैं, हम हमारा खुद का एक प्लेग्राउंड बनाएंगे जहाँ पे हम जैसा हम सबके साथ बचपन में होता था कि यू नो
हमारे एरिया में प्लेग्राउंड्स नहीं होते थे खेलने, तो हम लोग बिल्डिंग्स में खेलते थे, तो बिल्डिंग वाली आंटियाँ आती है ना और बोलती है कि यहाँ पे मत खेलो मत खेलो, तो उसी चीज़ ने हमें काइंड ऑफ इंस्पायर किया. सो दिस इज आवर कंटेंट प्लेग्राउंड एंड हम वी आर वेलकम आल्सो. या सो दिस क्या हुआ है ना, पास्ट फ्यू ईयर्स में इंडिया में सोशल मीडिया काफ़ी ग्रो हुआ है बट उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर उतना ग्रो नहीं हुआ है. एंड व्हाट वी वांटेड टू डू वाज इंडिया में फर्स्ट ऐसा स्टूडियो बनाना चाहते थे कि बाकी जो कंटेंट क्रिएटर्स है, जो बडिंग कंटेंट क्रिएटर्स है, वो लोग भी यहाँ पे आ सकते हैं, अपने वीडियोस बना सकते हैं, कंटेंट बना सकते हैं. तो या सो दिस इज अ कंटेंट क्रिएशन स्पेस एंड एवरीबॉडी सो मेनी डिफिकल्टीज. अगर आप लोग इस बारे में कुछ बता पाए कि जब आप लोगों ने शुरुआत की थी, आप तो ऑफकोर्स कोरियोग्राफर हो आप, लेकिन जब शॉर्ट वीडियो की शुरुआत हुई थी तो आपके जो फैमिली वाले उनके क्या रिएक्शन थे, इस्माइल सर की क्या रिएक्शन था कि जो है बच्चा इस तरफ पूरी तरह से जाने वाला है? एक्चुअली उनको अभी ऑनेस्टली इफ आई टेल यू, स्टार्टिंग में किसको पता ही नहीं था सोशल मीडिया है क्या, किसी को नहीं पता था. मुझे सो इवन हमारी फैमिली को भी आइडिया नहीं था. इनफैक्ट जैद और अनम भी बहुत लेट ज्वाइन किए. सो नगमा एंड मी वी स्टार्टेड, वी वर द फर्स्ट वन टू स्टार्ट. मैं खुद इंस्पायर हुआ नगमा से क्योंकि वो मेरी स्टूडेंट थी मेरे क्लासेस में और हाँ वो वीडियोज़ बनाती रहती थी मेरे क्लास में और मैं देखता था, मैं बोला क्या कर रही है और क्यों इतने यू नो शॉर्ट कंटेंट बना रही है, जबकि मैं यूट्यूब पे इतने बड़े बड़े कंटेंट बनाता था. सो एंड आई वाज लाइक ओके लेट मी सी व्हाट्स हैपनिंग. सो देन आई सॉ कि शी वाज रेगुलर एवरी सिंगल डे शी वाज क्रिएटिंग एंड आई वाज लाइक ओके एंड आई सॉ फॉलोअर्स ग्रोइंग वेरी वेरी फास्ट. तो आई वाज लाइक चलो आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट थिंग टू डू वेयर यू नो यू शोकेस योर टैलेंट एंड व्हेन यू शोकेस योर टैलेंट ऑन अ रेगुलर बेसिस your audience they know ke you know you're there for entertainment so they are always there for you and they you know keep interacting with you because social media is the new it's the new age thing. of yeah. entertainment so right. aur achhi baat ye hai ki hum sab ne ek dusre ko bahut inspire kiya hai aur actually haan. yeah करते yeah. रहेंगे और करते रहेंगे आगे. राइट right. और जैसे कि आप सब जानते हैं कि सोशल मीडिया इन दिनों बहुत बूम कर रहा है और थोड़ा सा अलग सवाल है, जो KGF चैप्टर 2 का जो ट्रेलर आया है उस टीज़र आया है उसने 100 मिलियन के ऊपर व्यूज़ कर लिया, अगर आप लोगों का क्या रिएक्शन है, अगर आप लोगों ने देखा है तो आप लोगों को कैसा लगा, थोड़ा सा अगर उस बारे में बताएं आप लोग. मैंने तो देखा, मुझे बहुत अच्छा लगा एक्चुअली. हाँ मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा. KGF आई थिंक व्हाट यू से fans of KGF yeah, lot of yeah because हमने teaser निकाला तो सबने नीचे comment किया था ये तो ठीक है but क्या आपने KGF का teaser देखा है क्या? KGF का देखा है, देखा है, of course देखा है. हमारे favorite parts भी उसके अंदर. हाँ जहाँ पे machine निकल के मैंने सोचा भी था कि बड़े बड़े बाल करके ऐसा खड़े रहूँ but बढ़ते नहीं है बस. वी गेट इंस्पायर्ड बाई द ऑडियो एज वेल के KGF का पहले फर्स्ट पार्ट में भी बहुत आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू वॉच. या द म्यूजिक वाज माइंड ब्लोइंग एंड नाउ दिस टाइम इट्स संजय दत्त. यस सो गुड नाउ दे गिव अस गुड म्यूजिक एंड देन वी क्रिएट ऑन दैट कंटेंट ऑन दैट म्यूजिक. सो थैंक यू. थैंक यू सो मच गाइस. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच एवरीवन. थैंक यू सो मच गाइस. थैंक यू. अतरंग्स को लेके बहुत ज़्यादा प्राउड फील हो रहा है इस वक्त क्योंकि आप लोग बात कर लीजिए फिर मैं जवाब दे. थैंक यू. हाँ तो अतरंग्स को लेके मैं मुझे बहुत ज़्यादा प्राउड फील हो रहा है इस वक्त क्योंकि मैं इनकी मेहनत देखती हूँ, आवेश की, जैद की, अनम की, नगमा की, अपने बलबूते पे आगे आए हैं किसी के सहारे के बिना. और अतरंग्स को देख के ऐसे मतलब सीना बिल्कुल ऐसे चौड़ा हो जाता है दैट बिकॉज आई हैव सीन इट इन द लास्ट 6 months. मैं जैद को सिर्फ 6 महीने से जानती हूँ लेकिन उस 6 महीने में मैंने जैद की इतनी मेहनत देखी है क्योंकि ये पूरी जगह जो आप देख रहे हैं, जो सब आज वाव कह रहे हैं, ये स्क्रैच से लेके जो आप देख रहे हैं वो जैद ने डिज़ाइन किया है और खड़े रह के उन्होंने काम करवाया है. तो आई फील वेरी प्राउड दैट ही इज़ बिन एबल टू यू नो मेक सच अ ब्यूटिफुल स्टूडियो. शायद इंडिया का पहला ऐसा कॉन्टेंट क्रिएशन स्पेस है जहाँ पर आपको हर एक एरिया मिल सकता है. स्टूडियोज़ अलग अलग किस्म के मिल सकते हैं, एंटरटेनमेंट जोन मिल सकता है, वेदर इट इज़ TV शूट्स या फिल्म शूट्स या सोशल मीडिया शूट्स, यहाँ पर सब कुछ हो सकता है. एंड ऑफकोर्स दे आर ऑल्सो गिविंग अ प्लेटफॉर्म टू यंग टैलेंट जो सोशल मीडिया में इंटरेस्टेड है, वो यहाँ आकर चीज़ें सीख सकते हैं. यहाँ पर क्लासेस होंगे कंटेंट क्रिएशन के. सो इट्स अ वेरी बिग प्लेटफॉर्म फॉर अ लॉट ऑफ यंग टैलेंट एंड अ लॉट ऑफ यंग टैलेंट हैज़
come up with it. So I'm feeling very proud of my husband and all of the Atrang's members. तो अतरंग जी ये जो नेम है इस नेम को सुनने के बाद आपका किस तरह से आपके माइंड में आया कि जो नाम दिया गया है एक्चुअली अतरंग्स इन लोगों ने ही क्रिएट किया था क्योंकि ये जो कंटेंट बनाते हैं वो काफ़ी अतरंगी होता है और आवेज का ए भी है अतरंग्स में नगमा का एन भी है अनम का ए है और जैद का जेड भी है अब पता नहीं वो जी कहाँ से आ गया इसके बीच में क्योंकि अतरंग्स बहुत ही पहले नाम बन चुका था लेकिन इट्स क्वाइट अ गुड कोइंसिडेंस दैट इसमें जी भी है तो मेरी दुआएं उनके साथ हैं एंड आई नो दैट इट्स गोना डू रियली वेल बहुत जब से शादी हुई है लोग जैद और आपको साथ में देखना चाहते हैं तो बहुत सारे वीडियोस देखे हैं हमने आपके लेकिन ऑफिशियल म्यूजिक वीडियो कब देखने मिलेगा आपका जल्द इंशाल्लाह जैसे ही मुझे मेरी फिल्म से टाइम मिल जाए और मैं जो दो शोज कर रही हूँ और मेरे शूट्स जो चल रहे हैं बट काफ़ी सारे ऑफर्स तो आ ही रहे हैं बट वी वांट टू डू द बेस्ट सो लेट्स सी इंशाल्लाह राइट ऑल्सो जो है अतरंग्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो है शॉर्ट वीडियो के लिए भी शॉर्ट जो कंटेंट क्रिएटर है उनको भी प्लेटफॉर्म दिया जा रहा है उनको भी नहीं उनको ही आई वुड से क्योंकि लोग ढूंढते हैं यार ये वीडियोज़ बनाने कहाँ जाएँ और ऐसा कोई वर्ल्ड क्लास जगह है नहीं यहाँ पर जैसे कि अतरंग स्टूडियो में साउंड है इट्स अमेजिंग जो इन्होंने स्पेसेस क्रिएट किए हैं उसमें क्षमता है कि आप हर किस्म का कंटेंट यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं ना कि सिर्फ फोटोग्राफी वीडियोस एंड अ लॉट ऑफ अदर थिंग्स सो आई थिंक इट्स आई वुड से प्रॉब्ली द फर्स्ट इन बॉम्बे एटलीस्ट इफ नॉट इन इंडिया एंड आई एम प्रीटी श्योर इन इंडिया एज़ वेल बट या आई एम वेरी हैप्पी फॉर दैट गौर शादी के बाद क्या चेंजेस देख रही है आप खुद में मेरी शादी के अगले दिन से मैं शूट कर रही हूँ और कल रात तक कल सुबह 5 बजे तक मैं शूट ही कर रही थी तो कोई चेंज ही नहीं है गौहर वही है बट जस्ट आई हैव समबडी टू लव मी डियरली एंड आई एम वेरी 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 ब्लेस्ड थैंक यू गौहर जी कितना चेंज आ जाता है एक शादी के बाद आपको कुछ एंजॉय करना और कुछ आप चेंज एंजॉय करने के लिए तो मैं वेट कर रही हूँ मुझे एक हॉलीडे नहीं मिल पाई है मेरी शादी के बाद बिकॉज लास्ट 15 डेज आई एम शूटिंग बैक टू बैक एंड अल्हम्दुलिल्लाह टिल अप्रैल आई एम शूटिंग बैक टू बैक सो आई थिंक जो भी हॉलीडे होगा वो उसके बाद ही होगा सो या मगर इसके अलावा लास्ट क्वेश्चन है विराट और अनुष्का को बेबी गर्ल हुई है हो गई वी वांट टू से अबाउट इट वाओ कैन आई टेल यू समथिंग आई थिंक विराट एंड अनुष्का माय फेवरेट कपल बहुत ही जेन्युइन प्यार दिखता है उन दोनों में एंड आई रियली विश देम कांग्रेचुलेशंस एंड ऑल द वेरी बेस्ट बिकॉज़ आई थिंक उनकी बेबी बहुत खूबसूरत होगी